सुपरस्टार राजेश खन्ना ने साल 1966 में आई फिल्म आखिरी खत से हिंदी सिनेमा में कदम रखा था। राजेश खन्ना की पहली फिल्म की रिलीज से एक साल पहले ही शशि कपूर की मूवी जब जब फूल खिले आ चुकी थी, जो एक सुपरहिट हुई थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राजेश खन्ना को इसी फिल्म की वजह से अपना नाम बदलना पड़ा था। बता दें कि राजेश खन्ना का रियल नेम जतिन खन्ना था। वो इसी नाम के साथ मुंबई आए थे, लेकिन शशि कपूर की फिल्म जब जब फूल खिले के बाद राजेश खन्ना ने अपना नाम बदलने का फैसला किया। दरअसल इस फिल्म में एक्टर थे जिनका नाम जतिन खन्ना था। क्योंकि ये फिल्म हिट हो गई थी तो फिल्म के सभी कलाकार भी पॉपुलर हो गए थे। वही राजेश खन्ना भी बॉलीवुड में डेब्यू के लिए तैयार थे और वो नहीं चाहते थे कि फिल्म इंडस्ट्री में दो एक जैसे नाम हो, क्योंकि इससे लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। यही वजह रही थी कि राजेश खन्ना ने अपना नाम जतिन खन्ना से बदलकर राजेश खन्ना रख लिया था। आपको बता दें कि भले ही राजेश खन्ना की पहली फिल्म आखिरी खत बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा कमाल नहीं दिखा पाई हो, लेकिन जब उनका दौर आया तो लोगों को राजेश खन्ना के अलावा कुछ नहीं नजर आया। राजेश खन्ना के नाम आज भी लगातार 15 हिट फिल्में देने का रिकॉर्ड दर्ज। उन्होंने अपने शानदार करियर में अमर प्रेम, हाथी मेरे साथी, आनंद, रोटी, आराधना, दाग, सच्चा झूठा, अजनबी और अपना देश जैसी कई शानदार फिल्मों का तोहफा अपने फैंस को दिया है। अपने दौर में राजेश खन्ना ने वो स्टारडम देखा जिसकी चाहत हर एक्टर रखता है।